हेलो गाइस, पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि अब राजधानी पटना में मीठापुर में बने ओवरब्रिज से जाम में निजात मिल गया है। आपको बता दें कि पटना गया लाइन गुमटी के मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज चालू हो जाने से करबीघैया की ओर आना जाना बहुत ही आसान हो गया। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी सामने, ये BSNL का ऑफिस है और यहाँ से ये पुल आपको नए पुल से ज्वाइंट होती है जो कि ये विधानसभा तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा BSNL का ऑफिस और वो सामने पुल जो आपको विधानसभा उतार देगी। यहाँ से अगर हम लोग सीधे जाते हैं तो नए पुल आपको मिलेगा जो आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ है 24/6/2022 को। तो दोस्तों, हम लोग नए पुल देखने के लिए चलते हैं आगे। यही पुल है जो आज उद्घाटन हुआ है और यहाँ से ये शुरुआत होती है। इस पुल के शुरू होने से मीठापुर फ्लाईओवर के लोग सीधे पटना पश्चिम की ओर आ जा सकेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मीठापुर बाज़ार है जहाँ पे फॉर्च्यून की सामानें मिलती हैं। पुल के बन जाने के बाद यारपुर, करबीघैया, जखनपुर, मीठापुर, फरसा, पुनपुन वाले जो भी इलाके हैं उसमें उन लोगों को सहूलियत होगा आने जाने में, क्योंकि उन्हें नीचे रेलवे फाटक खुलने और बंद करने का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब बता दें कि मीठापुर सब्जी मंडी ओर से करबीघैया जाने वाले रेलवे फाटक बंद होने का जाम की स्थिति नहीं होगी, फाटक खुलने का इंतज़ार भी नहीं करना होगा। अब जो भी हैं इस पुल के माध्यम से आ जा सकेंगे। ये जो बाएँ रास्ता है ये आपका GPO तरफ चला जाएगा और जो यहाँ से सीधा जा रहा है ये आपको करबीघैया चला जाएगा। और अभी एक और नया पुल बनने के लिए तैयार है, जहां आपको दिखा दूं कि यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिलहाल तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जैसे ही पूरा हो जाएगा तो ये कंकड़बाग से आपको मीठापुर तक डायरेक्ट बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड तक जोड़ सकेगा, ताकि जो भी लोग हैं कंकड़बाग से डायरेक्ट जा सकेंगे और उन्हें और आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरी जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर से दबाएं ताकि मुझे हेल्प मिल सके।